डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम व्हाइल लूप प्रोग्राम्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हाइल लूप के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि व्हाइल लूप का हम अपने प्रोग्राम्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से व्हाइल का हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में व्हाइल होता है, फिर हम कंडीशन लगाते हैं जिस कंडीशन को टेस्ट करना होता है, इसके बाद में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, फिर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके अपडेट एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिखाया था, एक बार हम दोबारा उस फ्लो चार्ट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन जहाँ से हमें लूप को स्टार्ट करना है। इसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन आता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास में बूलियन वैल्यू आती है, या तो हमारे पास में ट्रू आएगा आंसर या फिर हमारे पास में फॉल्स आएगा। अगर हमारे पास में ट्रू आंसर आता है तो बॉडी क्या करती है, एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं होता है। कंडीशनल एक्सप्रेशन जैसे ही फॉल्स होगा, लूप हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो व्हाइल लूप है हमारा, वो क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड है। जैसे ही आप लूप में एंटर करेंगे, सबसे पहले क्या है, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद ही लूप के इनसाइड जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी रन करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को प्रिंट करना है हमें। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के इनसाइड हमने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्या है हमारे पास में, काउंट नाम का वेरिएबल है, इसमें हमने वन को सेव किया। देखिए, अब पहले लूप चलेगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू फोर। क्या काउंट लेस देन इक्वल टू फोर है, आंसर आएगा यस, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी है, वन है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप प्रिंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, वन प्रिंट हो गया। इसके बाद में काउंट प्लस प्लस किया, तो इट मींस काउंट की वैल्यू क्या थी, वन थी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या काउंट लेस देन इक्वल टू फोर है, हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी है, टू, आंसर आएगा हमारा यस, तो इट मींस दोबारा ये लूप रन करेगा, लूप रन करेगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, इट मींस यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, टू प्रिंट हो गया। फिर हम काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। देखिए, काउंट बेसिकली है क्या, काउंट आपका एक वेरिएबल है, और वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा आप कह सकते हैं मेमोरी की लोकेशन है जहाँ पर लगातार वैल्यू चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया तो टू की जगह कितना हो गया, थ्री हो गया। दोबारा कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, क्या काउंट लेस देन इक्वल टू फोर है, आंसर आएगा मेरा यहाँ पर यस, तो इट मींस दोबारा लूप आपका रन करेगा। जब लूप दोबारा रन करेगा तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आउटपुट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, काउंट प्लस प्लस किया, जब काउंट आप दोबारा प्लस प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्री की जगह कितना हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा। कंडीशन चेक हुई, काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू फोर, क्या काउंट फोर से लेस देन है या इक्वल है। देखिए, यहाँ पे हमने इक्वल साइन लिया है, तो इक्वल साइन लिया है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, फोर है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे प्रिंट हो गया स्टेटमेंट, आंसर प्रिंट हो गया फोर। नाउ अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, फाइव हो गई। जब काउंट की वैल्यू फाइव हो गई तो ये जो बूलियन कंडीशन है जो आपने यहाँ पे लिखा है कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू फोर, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बाहर कोई स्टेटमेंट लिखी होती तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल लिया है हमने, यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। जैसा हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया था वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले फाइल को इंक्लूड किया, वेरिएबल लिया। देखिए, यहाँ पे वेरिएबल इज़ लेस देन इक्वल टू टू लिखा है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर
पहले वन प्रिंट होगा। देखिए अब यहाँ पे एक ऐसा लूप बन गया, यहाँ पे आपने वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं किया, यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल प्लस प्लस लिखना होगा। अगर आप वेरिएबल प्लस प्लस नहीं लिखेंगे तो ये जो आपका लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप, ऐसा लूप जो लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है उसके बाद आपको वेरिएबल प्लस प्लस लिखना है। अगर आप प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही सिंपल छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, एक ऐसा लूप जो लगातार रन करता रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में हम लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं व्हाइल लूप में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। फाइल को इंक्लूड करने के बाद हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। देखिए यहाँ पर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक आई लिया है जिसकी वैल्यू हमने कितनी की है, वन ली है, एक जे लिया है जिसकी वैल्यू हमने ली है वन। अब देखिए यहाँ पर जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया है, ये जो सिंबल होता है हमारा, ये और सिंबल होता है, और ये जो हम लगाते हैं ये हमारा क्या होता है, एंड सिंबल होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, और का यूज़ किया है। तो दोनों कंडीशन में से अगर कोई सी भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो हमारा लूप रन करेगा। मैंने आपको बताया था और के केस में जो हमारे पास में टेबल होता है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, इट मीन्स अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारे पास में आंसर फॉल्स हो जाएगा, लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, आंसर आया यस। जे इज़ लेस देन इक्वल टू 3, यस। हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, यानी यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी, जे की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई कितनी है, 1, जे कितना है, 1। अब आप आई को प्लस प्लस कर रहे हो और जे को प्लस प्लस कर रहे हो, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और जे की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2 हो गई। अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, आंसर आया यस। इसी तरीके से 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, आंसर आया यस, यानी दोबारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। दोबारा आपने अपडेट किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। दोबारा कंडीशन चेक हुई, क्या I इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, यस, आंसर आया यस। J इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, आंसर आया यस, यानी दोबारा हमारा लूप रन करेगा। और यहाँ पर I की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी, J की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। दोबारा यहाँ पे अपडेशन होगा, वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे वैल्यू 4 हो गई। अब आप दोबारा देखिए, I इज़ लेस देन इक्वल टू 4, आंसर आया यस। J इज़ लेस देन इक्वल टू 3, लेकिन J की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, बट ये हमारा ट्रू है। तो जब हमारा ये ट्रू है तो यहाँ पर दोबारा I की वैल्यू प्रिंट होगी और J की वैल्यू प्रिंट होगी। तो और कंडीशन में दोनों में से अगर कोई सा भी ट्रू होता है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करता है। देखिए अब दोबारा यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन होगा, I की वैल्यू 5 हो जाएगी, J की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमारा लूप रन नहीं करेगा क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यानी दोनों पे हमारे पास में क्या क्या आ गया, 0 0, आंसर आएगा 0। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस का भी व्हाइल लूप में यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने वही किया है, यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू हमने 1 ले ली और आई इज़ लेस देन कितना है, 6, तो इट मीन्स यहाँ पर ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा। आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ पर 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो यानी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 5 टाइम प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक हुई, ट्रू आई, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन चेक हुई, ट्रू आया, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन ट्रू है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसी तरीके से ये आपका 5 टाइम यहाँ पे प्रिंट होगा। नाउ स्टूडेंट, अभी हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले फाइल को इंक्लूड किया,
फिर हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे हमने m की वैल्यू 5 ली है और n की वैल्यू क्या है 0 ली है। देखिए यहाँ पे हम जो कंडीशन लगा रहे हैं ये हमने ग्रेटर देन का यूज़ किया है, तो ग्रेटर देन जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब देखिए m की वैल्यू क्या है, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, m इज़ ग्रेटर देन n, m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 0 है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी पहले 5 प्रिंट हो गया, बाद में 0 प्रिंट हो गया। नाउ अगेन स्टूडेंट, m की वैल्यू आपने माइनस माइनस की, तो m की वैल्यू 4 हो गई और n प्लस प्लस कर दिया 1 हो गया। कंडीशन चेक की, क्या m इज़ ग्रेटर देन n है, यस yes. जब n इज़ ग्रेटर देन n है तो यहाँ पे ये क्या होगा, दोबारा आपका ये प्रिंट हो जाएगा, m की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। अगेन स्टूडेंट, हमने m को माइनस माइनस किया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, अभी भी कंडीशन ट्रू है, क्या 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू प्रिंट होगी और n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, m 3 प्रिंट हो गया आपका और n आपका 2 प्रिंट हो गया। अब m आप माइनस माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, क्या 2 इज़ ग्रेटर देन 3 है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप आपका रन नहीं करेगा, आप इससे बाहर आ जाएंगे और आपका आउटपुट कितना आएगा, इतना आएगा, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 0, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2। तो एक चीज़ आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि हम इन दोनों में रिलेशनल ऑपरेटर का भी, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारी कंडीशन है ये पहले चेक होती है, ये हमारा एंट्री कंट्रोल्ड लूप है या फिर हम इसको प्री टेस्टेड लूप भी कहते हैं। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जो भी प्रोग्राम्स आज हमने देखे वो दोनों क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो इनिशियलाइजेशन करना होता है, दूसरा आपको कंडीशन चेक करनी होती है, तीसरा इंक्रीमेंटेशन जिसे हम अपडेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें आती हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।